एक तरफ हमास हिजबुल्ला के निशाने पर इसराइल है, तो दूसरी तरफ इसराइल भी अब लगातार उसका जवाब दे रहा है। वेस्ट बैंक में जिस तरह से कल एक बड़ी कार्रवाई इसराइल की तरफ से की गई है, वो अपने आप में आज से 20 सालों से पहले तक का इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी। यानी 2002 के बाद वेस्ट बैंक में इस तरह से इसराइल ने कभी सैन्य अभियान नहीं चलाया था। किस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से और किस तरह के हमले हिजबुल्ला और हमास की तरफ किए जा रहे हैं, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, सबसे पहले तो ये बताइए कि बीते 2-3 दिनों में हिजबुल्ला हमास ने किस तरह के इजराइल पर हमले किए हैं और अब जिस तरह से वेस्ट बैंक में एक कह सकते हैं कि सैन्य अभियान इजराइल ने चला रखा है, उनके टैंक इस वक्त वेस्ट बैंक में दौड़ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की जानकारी मिल रही है? देखिए, हिजबुल्ला ने पिछले 3 दिन से लगातार जो है इजराइल पे एकदम ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये इजराइल का जो इलाका है गैलीली और गिल्लोट, ये दो इलाके हैं जो कि लेबनन बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, इसमें लगातार रॉकेट्स गिर रहे हैं और 3 दिन में करीब 700 रॉकेट्स और 50 सुसाइड ड्रोन्स इस पूरे इलाके में फायर हो चुके हैं। अब आप सोचिए कि 3 दिनों के अंदर करीब 700 रॉकेट्स हैं जो ये इन इसराइल के इलाके जो हैं इन पे फायर किए गए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में इसराइली जो हैं वो इसमें घायल भी हुए हैं। और सूत्रों के हिसाब से, पुख्ता जानकारी तो नहीं है लेकिन सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है कि करीब 5,000 इजरायली, जिसमें सैनिक भी शामिल हैं और वहां की आम जनता भी शामिल है, वो इस हिजबुल्ला के रॉकेट्स अटैक में घायल हुए। उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से इस वक्त जबरदस्त हमले इजरायल पर किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजरायल भी जवाब दे रहा है। इजरायल का जवाब किस तरह से है, क्योंकि वेस्ट बैंक की हम बात कर रहे हैं, आज से पहले यानी 2002 के बाद कभी भी इतना बड़ा सैन्य अभियान इसराइल ने नहीं चलाया था। वहां पर उनके टैंक दौड़ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि जगह का जगह छानबीन की जा रही है, हमास के लड़ाके हैं उनको तलाशने का काम किया जा रहा है। तो यानी कि इसराइल भी अब वेस्ट बैंक में, जो अब तक माना जा रहा था कि छिटपुट हिंसा वहां पर होती रहती थी, इसराइल की तरफ से कुछ कार्रवाई होती थी, लेकिन अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है वेस्ट बैंक में, इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं मैम? देखिए, हमास के जो लड़ाके हैं, हमास की तरफ से ये अपील की गई थी कि वेस्ट बैंक में वेस्ट बैंक से भी हमला होना चाहिए इसराइल के ऊपर, जैसा कि गाज़ा से हो रहा है, तो ये एक बड़ी अपील थी। उसके बाद इसराइल ने ये कार्रवाई की है। ऐसा कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक से भी इसराइल को जो है निशाना बनाया जा रहा था लगातार, उसके बाद इसराइल ने कार्रवाई की है। इसराइल ने एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है, इसके साथ ही ड्रोन से और इनके इसराइल की ग्राउंड फोर्सेज जो हैं वो वेस्ट बैंक में आगे बढ़ी हैं और वहाँ पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। और फिलिस्तीन की तरफ से कहा गया है कि करीब 10 लड़ाके जो हैं फिलिस्तीन के, वो इसराइल के हमले में मारे गए हैं। देखिए, दो शहर हैं, एक तो जेनिन है और दूसरा है तुलकारिम, ये दो शहर हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे इसराइल की सेना जो है वो ऑलरेडी अंदर पहुँच चुकी है और यहाँ पे जो है एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। फिलिस्तीनी जो है उनको, उन पर नज़र रखी जा रही है, यहाँ पर होने वाली हर घटना पर नज़र रखी जा रही है। देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि इसराइल जो है वो ये चाहता है कि आने वाले समय में गाज़ा के साथ साथ जो वेस्ट बैंक है उस पर भी पूरी तरह से इसराइल का नियंत्रण रहे। मतलब ऐसा ना हो कि इस इलाके का उपयोग जो है किसी तरह के हमले पे, इसराइल के ऊपर हमले के लिए किया जाए। ये भी कह दिया गया है कि जिस तरह के हमले हमास में किए जा रहे थे, वहां पर जो हमास के लड़ाके थे उनको इसराइल की तरफ से मारा जा रहा था, वैसे इसराइल ने कहा है कि जो भी हमास के लड़ाके उस पूरे वेस्ट बैंक इलाके में छुपे हुए हैं उनको भी हम खोजेंगे, उनको भी हम पकड़ेंगे, उनको भी हम वहां से हटाएंगे। तो एक तरह से इसराइल को ये डर है कि देखिए, अपनी चारों तरफ अपने आप को सेव कीजिए, क्योंकि इस वक्त चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और वो कोई ऐसी चीजें नहीं छोड़ना चाहता जिससे उसके लिए दिक्कत पैदा हो आगे आने वाले समय में। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। देखो, अगर आप फिलिस्तीनी मंत्रालय के आंकड़ों की अगर बात माने तो उनके मुताबिक पिछले 10 महीने में वेस्ट बैंक में करीब 652 फिलिस्तीनी जो है वो इजरायली फायरिंग का शिकार हुए हैं। मतलब पिछले 10 महीने में इनका कहना है कि 652 फिलिस्तीनी जो है वो इसराइल के हमले में मारे गए हैं। तो अब इसराइल ने एक बार फिर जो वेस्ट बैंक में जो बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया है, इसके बाद नीलू दो इंटरेस्टिंग बयान सामने आए हैं। एक है IDF चीफ जो हरजी हलेवी हैं, जो इसराइल की आर्मी के चीफ हैं, इनका कहना ऐसा है कि भाई, सरकार, नेतन्याहू सरकार जो फैसला लेगी हम उसको फौरन इंप्लीमेंट करने को तैयार हैं। अगर वेस्ट बैंक को लेके कोई बड़ा फैसला होता है तो उस जैसा भी सरकार का रुख होगा वो उसको तुरंत इंप्लीमेंट किया जाएगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, उनकी तरफ से ये साफ कहा गया है कि अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो उसके बाद उसकी मौत के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। ये बार बार वो कहते रहे हैं कि अगर हम पर, हमारे लोगों पर हमला होता रहा तो हम भी किसी को बख्शेंगे नहीं। और देखिए, अगर वेस्ट बैंक में अगर हमला हो रहा है तो
नेतन्याहू हो या फिर इसराइल गवर्नमेंट हो, उनका यही कहना है कि देखिए हम अपने आप को सेव कर रहे थे, वहाँ पर हमास के आतंकी छिपे हुए थे, हम उनको खोज रहे थे और आगे भी यह अभियान चलता रहेगा। दूसरी तरफ एक ये बात ये भी सामने आई है कि इसराइल ने भी जो हिजबुल्ला की तरफ से हमले जो हुए हैं उसका इसराइल की तरफ से भी जबरदस्त जवाब दिया गया है। देखिए इसराइल ने 24 घंटे में लेबनन में एक बेलबैक इलाका है वहाँ पे और एक शैट, ये दो जगह पे बड़े हमले किए हैं और बताया जा रहा है कि 8 ट्रक्स इसराइल ने, इसराइल के एयरफोर्स ने तबाह किए हैं। ये वो ट्रक्स थे जो कि हथियारों से भरे हुए थे और ये हथियार हिजबुल्ला को सप्लाई होने थे। बताया जा रहा है कि सीरिया के बॉर्डर से ये हथियार जो है वो लेबनन जा रहे थे और ईरान की तरफ से ये हथियार जो हैं वो हिजबुल्ला को प्रोवाइड किए जाने थे। तो आप देखिए कि हथियार पहले ईरान से सीरिया गए और सीरिया से वो लेबनान आने थे, लेकिन बीच में ही मोसाद को इसकी जानकारी मिल गई और वो उन हथियारों को तबाह कर दिया गया। तो देखिए इस पूरे इलाके में जो है वो एक कॉम्पिटिशन सा जंग छिड़ी हुई है कि कैसे इसराइल चाहता है कि हिजबुल्ला की जो बड़ी हथियारों की सप्लाई लाइन है उसको रोका जाए, हिजबुल्ला तक हथियारों को पहुँचने से रोका जाए, जिसमें रॉकेट्स शामिल हैं, जिसमें मिज़ाइल शामिल है, जिसमें ड्रोन शामिल है, इन तीनों को जो सप्लाई चेन है उसको IDF और इजराइल की फोर्सेस उसको खत्म करना चाह रही हैं और इसी के चलते ये बड़ा ऑपरेशन हुआ था। तो अब देखिए एक तरफ वेस्ट बैंक में ऑपरेशन कर रहा है इजराइल, दूसरी तरफ गाजा में ऑपरेशन चल रहा है, तीसरी तरफ लेबनन में जो हथियार सप्लाई हो रहे हैं हिजबुल्ला इसको IDF जो है अपना निशाना बना रहा है और दूसरी तरफ एक तरफ हिजबुल्ला से अटैक है जो कि कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल के जो एयरफोर्स बेसिस हैं, बताया जा रहा है कि करीब 8 एयरफोर्स बेसिस को जो है वो हिजबुल्ला की तरफ से निशाना लगा बनाया गया है पिछले 3 दिनों के अंदर 72 घंटे में। और उसके बाद 2 एयरफोर्स बेसिस ऐसे हैं जिनको बड़ा भारी नुकसान भी हुआ है और अब जो नई जानकारी है उसके मुताबिक भी करीब 5,000 इसराइल की सैनिक और वहाँ की आम जनता को मिला के 5,000 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। ये बड़ा नंबर है, इसके पहले इसराइल में इस तरह की हमले कमी मीडिया की तरफ से भी मतलब उनके हिसाब से भी यही सारी चीज़ें हैं कि इसराइल को नुकसान हुआ है और इसराइल इसी नुकसान की भरपाई या अकेले बदले के तहत ही वेस्ट बैंक में कार्रवाई कर रहा है और उसका ये भी कहना है कि जितने हमारे बंधक थे जब तक उनको पूरी तरह से नहीं छुड़ा लिया जाएगा तब तक चाहे वो गजा हो या फिर वेस्ट बैंक हो इसी तरह की उनकी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, ईरान इसराइल की मीडिया में जो खबरें हैं उसके मुताबिक भी अब वहाँ पे जो जनता है वो भी थोड़ा परेशान है इन हमलों को लेकर और ये भी कहा जा रहा है कि जो पीस प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ रही है, इसको लेके भी थोड़ा कंसर्न इसराइल में है क्योंकि अब इसराइल के नागरिक जो है वो भी शिकार हो रहे हैं इन हमलों का और रेसिडेंशियल इलाके भी जो है वहां पे भी रॉकेट्स गिर रहे हैं। ऐसे में आयरन डोम को लेके भी कई सवाल उठ रहे हैं कि भाई आखिर आयरन डोम इन रॉकेट्स को क्यों नहीं रोक पा रहा। तो अब देखिए नेतन्याहू जो है कई फ्रंट पे एक साथ अब उनकी उनके लिए चुनौतियां हैं, एक तरफ गाजा है उससे वहां पे ऑपरेशन जारी है, वेस्ट बैंक में जारी है, हिजबुल्ला के हमले हो रहे हैं, हुती के हमले हो रहे हैं और उस बीच में उसने नेतन्याहू को अब इंटरनल जो एक गुस्सा है इजरायली लोगों का वो भी झेलना पड़ रहा है। अब देखिए ऐसे में नेतन्याहू यही चाहते हैं कि कहीं से पहले हमला ना हो जाए, अपने आप को सिक्योर करें, इसलिए इन 20 सालों में अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई वेस्ट बैंक में देखने को मिली है। आगे ये जो युद्ध आगे बढ़ रहा है, जो छोटे छोटे युद्ध हैं एक दूसरे पर हमले हैं, वो कहाँ जाते हैं, किस तरह से हमले होते हैं, कौन किस पर भारी रहता है, ये सारी बातें हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आएंगे। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं और क्या कुछ इसमें आपकी राय है, वो हमें ज़रूर बताएं और इस खबर के साथ हमारे साथ लगातार जुड़े रहे।